फाइनली भाई आज अपने पास है वीवो का नया लेटेस्ट स्मार्टफोन वीवो T3 Pro 5G। जिस टॉपिक पर आप बोलते हो उसी टॉपिक पर आपको वीडियो देखने को मिल जाती है। अब आपका काम तो हमने कर दिया, हमारा काम आपने करना है चैनल को सब्सक्राइब करने का और वीडियो को लाइक करने का। आज की वीडियो में हम लोग वीवो T3 Pro 5G का चार्जिंग टेस्ट करेंगे, किस फोन को 0 to 100% पूरा फुल चार्ज होने में कितना टाइम लगता है। वैसे इस फोन में आपको 5500 mAh की बैटरी मिलती है, 80W की फास्ट चार्जिंग को ये फोन सपोर्ट करता है और ये सेगमेंट का पहला फोन है जिसमें आपको 5500 mAh की बैटरी मिलती है और ये फोन भाई देखो कितना पतला भी है। तो चलो अब चार्जिंग टेस्ट करते हैं और देखते हैं कि रियल प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर इस फोन को पूरा फुल चार्ज होने में कितना टाइम लगता है और पूरे चार्जिंग टेस्ट के अंदर फोन कितना हीट करता है, सब कुछ आपको डिटेल में इस वीडियो के अंदर बताएंगे। पहली बार चैनल के ऊपर आए चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक करके शेयर भी कर दो। और हां एक चीज बताना भूल गया, पूरे चार्जिंग टेस्ट में आपको आउट ऑफ द बॉक्स जो चार्जर और जो डाटा केबल देखने को मिलती है उन्हीं को हम लोग यूज करेंगे। तो फाइनली भाई सब कुछ आ चुका है, ये रही स्टॉपवॉच और इस टाइम पर हम लोग फोन की बैटरी चेक करें तो मैं आपको इसके फोन का जो सेटिंग के अंदर बैटरी का सेक्शन है वो चेक करो तो फोन के अंदर आपको 3% बैटरी देखने को मिलती है। टेम्परेचर की बात करें तो इस टाइम पर जो फोन का टेम्परेचर आपको 27 डिग्री देखने को मिलता है। अब मैं आपके सामने यहां पर फोन को चार्जिंग के ऊपर लगाता हूं, स्टॉप वॉच को भी ऑन कर दिया, फोन चार्जिंग के ऊपर लग चुका है। अब मिलता हूं भाई 10 मिनट के बाद और देखते हैं कि 10 मिनट चार्ज करने के बाद वीवो T3 Pro के अंदर कितनी बैटरी चार्ज हो जाएगी। फाइनली फोन को चार्जिंग पर लगाए 10 मिनट हो चुके हैं। अब बैटरी की बात करें तो 10 मिनट फोन को चार्ज करने पर फोन में 25% बैटरी जो है वो चार्ज हो चुकी है। सेटिंग के अंदर बैटरी के सेक्शन यहां पर 26%, यही बोलूंगा भाई 10 मिनट चार्ज किए, 80W का फास्ट चार्जर है तो फोन थोड़ा यहां पर स्लो चार्ज हो रहा है। बाकी टेम्परेचर की बात करें तो फोन का जो टेम्परेचर है वो आपको 31 डिग्री देखने को मिल जाता है, जबकि हमने चार्जिंग टेस्ट को स्टार्ट किया था तो आप लोगों को टेम्परेचर 27 डिग्री देखने को मिलता है। बाकी अब आपको मिलता हूं 20 मिनट के बाद और देखते हैं 20 मिनट चार्ज करने के बाद इस फोन के अंदर कितनी बैटरी चार्ज हो जाएगी। फाइनली फोन को चार्जिंग पर लगाए हुए 20 मिनट हो चुके हैं और 20 मिनट चार्ज करने के बाद बैटरी की बात करें तो फोन में 45% बैटरी चार्ज हो चुकी है। अब मैं आप लोगों को सेटिंग्स के अंदर इसका बैटरी का सेक्शन बताऊं, यहां पर भी 45% बैटरी है। और टेम्परेचर की बात करें तो 20 मिनट फोन को चार्ज किया है, 32.7 डिग्री के आसपास आपको फोन का टेम्परेचर देखने को मिलता है। तो नो डाउट भाई बैटरी नॉर्मली चार्ज हो रही है, ज्यादा फास्ट चार्ज नहीं हो रही है। अब मैं आपको मिलता हूं आधे घंटे यानी कि 30 मिनट के बाद और देखते हैं कि 30 मिनट चार्ज करने के बाद इस फोन में कितनी बैटरी चार्ज हो जाती है। फाइनली फोन को चार्जिंग पर लगाए हुए आधा घंटा हो चुका है। अब आधा घंटा चार्ज करने के बाद बैटरी की बात करें तो फोन में भाई 61% बैटरी चार्ज हुई है। मुझे लगा था कि आधा घंटा चार्ज करने पर 80% चार्ज हो जाएगा लेकिन नहीं हुआ। बाकी मैं आप लोगों को सेटिंग्स के अंदर इसका जो बैटरी का सेक्शन है वो चेक करवाऊं तो यहां पर आपको 62% बैटरी देखने को मिलती है। टेम्परेचर भी चेक कर लेते हैं, आधा घंटा फोन को चार्ज किया, 32 डिग्री फोन का टेम्परेचर है। बाकी अब आपको मिलता हूं 45 मिनट के बाद और देखते हैं कि 45 मिनट चार्ज करने के बाद ये फोन 90% चार्ज हो जाता है या नहीं होता। फाइनली फोन को चार्जिंग पर लगाए हुए 45 मिनट हो चुके हैं। अब 45 मिनट चार्ज करने के बाद बैटरी की बात करें फोन में भाई 86% बैटरी जो है वो चार्ज हो चुकी है। मैं आप लोगों को सेटिंग के अंदर बैटरी का सेक्शन बताऊं, यहां पर भी 86% बैटरी है तो हाँ यहां पर अब थोड़ा जो फोन है ज्यादा फास्ट चार्ज हुआ है। टेम्परेचर फोन का 33 डिग्री अब कम आ चुका है, ज्यादा फोन हीट नहीं हुआ है। बाकी मिलता हूं आप लोगों को भाई एक घंटे के बाद और देखते हैं कि एक घंटे के अंदर ये फोन पूरा फुल चार्ज हो जाता है कि नहीं होता। फाइनली फोन को चार्जिंग लगाए हुए 50 मिनट हो चुके हैं। अब बैटरी की बात करें तो 50 मिनट चार्ज करने के बाद 94% बैटरी फोन में चार्ज हो चुकी है। बैटरी सेक्शन के अंदर भी 94% बैटरी है। टेम्परेचर की बात करें तो फोन का टेम्परेचर इस टाइम पर आप लोगों को देखने को मिलता है 30 डिग्री के आसपास, तो फोन भाई ज्यादा हीट नहीं किया है। बाकी अब देखते हैं इस फोन को पूरा फुल चार्ज होने में कितना टाइम लगता है। फोन को चार्जिंग पर लगाए हुए यहां पर 54 मिनट हो चुके हैं। बैटरी की बात करें तो 54 मिनट के अंदर जाकर के भाई इस फोन में जो 100% बैटरी है वो चार्ज हो चुकी है। सेटिंग के अंदर बैटरी का सेक्शन देखो, यहां पर भी आप लोगों को 100% बैटरी जो है वो देखने को मिल जाती है। तो अगर आप लोग वीवो T3 Pro को बाय करने का प्लान कर रहे हो, अगर आपको जानना था कि भाई ये फोन कितने टाइम में फुल चार्ज होता है तो ये रहा टाइम आपके सामने, 54 मिनट लग जाएंगे आपके इस फोन को पूरा फुल चार्ज करने में। लेकिन अगर आपका फोन बिल्कुल ही डेड है, 0% बैटरी है, तो एक घंटा इस फोन को चार्ज करने में 80W के चार्जर से आपका लग जाएगा।